भाई हमारे आयुष भाई। इस जुलाई में भी अभी 3 शोज होने वाले हैं, एक गोवा में होने वाला है, एक छिंदवाड़ा में होने वाला है, एक इंदौर में होने वाला है, भोपाल में होने वाला है। सो गाइस ये है पॉपुलर भाई, पॉपुलर मोमोज। सो मैं यहाँ पे आया हुआ था और मैं जा रहा हूँ अभी भाई, ये हैं भाई हमारे आयुष भाई, ये हैं हमारे आयुष भाई, जो कि भाई आपको मैं इनके बारे में डिटेल से बताऊंगा, पहले भाई सेकंड करते हैं, देन इसके बाद ये लेके आए गिटार और हम लोग जाने वाले हैं अभी एक राइड में, छोटी सी राइड है, तो हम लोग डुमना नेचर पार्क साइड ना, तो वहीं पे चलते हैं और मोटो ब्लॉगिंग का आनंद लो। जब तक के लिए सब्सक्राइब करो जल्दी से और चलते हैं, गाड़ी को क्या हो गया, चलो लेट्स गो। एक्चुअली कहना है कि भाई मोटो ब्लॉगिंग ना मज़ा ही आ रहा है, मतलब कि क्या होना, जैसे सैटरडे राइड से गया मैं, सो यहाँ जा रहा वहाँ जा रहा, भाई मज़ा आ रहा है इस समय। सो गाइस हम लोग आ गए हैं नेचर कैफे में एंड भाई साहब यहाँ देखो भाई, आयुष भाई पूरा गिटार विटार लेके आए हुए हैं प्रॉपर पूरी फुल तरीके से, और आप लोगों को यहाँ पर ना भाई बहुत ही अरिजीत सिंह के कि जुबिन नौटियाल के सॉन्ग सुनाएंगे आप। मैशअप ले लेते हैं, मैशअप ना, ओके हाँ, दोनों का कॉम्बो रहेगा। I'm not afraid to die.
तो सॉन्ग तो कंप्लीट हुआ, अब हम भाई आयुष भाई से पूछते हैं कि मतलब कि इनकी जो जर्नी रही एंड कहाँ से इन्हें स्टार्ट किया, देन इसके बाद मतलब पूरी बात करते हैं, मतलब क्या कैसा था भाई, आप बताइए आप क्या कैसा था, मतलब कि आपने जर्नी स्टार्ट कहाँ से की है एज अ मॉडलिंग, आपका मतलब कि क्या क्या कर रहे हैं अभी, कहाँ का कौन कौन से प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन करवा रहे हैं ये सब? मतलब मैं तो एक्चुअली अब जर्नी का तो मैं ऐसा खुद नहीं बता पाऊँगा मेरी जर्नी के बारे में, क्योंकि हाँ। मतलब एक सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ, लोगों की जैसे सोच खत्म होते हैं, मेरी सोच वहाँ से मैंने स्टार्ट करा था, थिंकिंग जहाँ से मेरी जो स्टार्ट हुई थी, मैं एंड मतलब समझ सकते हो, एंड जो स्टोरी का एंड हो रहा है वहाँ से मैंने स्टार्टिंग करा था। अच्छा अच्छा, जहाँ से लोगों की सोच खत्म हो जाती है वहाँ से आपने स्टार्ट किया? एग्जैक्टली वही है, वो जो पॉइंट रहता है ना वहाँ से मैंने स्टार्ट करा, बट वो टर्निंग पॉइंट्स मेरे बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो मैं बहुत साल पहले से शूटर था, शूटिंग करता था, राइफल पिस्टल शॉट गन प्लेयर रह चुका हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आया, फिर मॉडलिंग वगैरह और ये एक्टिंग वगैरह की फील्ड में फिर स्टार्टिंग करा मैंने करियर अपना। ओके ओके। और आज प्रोफेशनल मॉडल हूँ मिस्टर इंडिया का, और रनवे मॉडल रह चुका हूँ मिस्टर इंडिया का, अभी मिस्टर एमपी का भी कर रहा हूँ, और अभी 2-3 शोज़ वगैरह भी खुद के ऑर्गेनाइज हो चुके हैं मेरे टीम्स के साथ। एक्चुअली मैं फ्रीलांसर एज अ वर्क करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी भी मेरे इस जुलाई में भी अभी 3 शोज होने वाले हैं, एक गोवा में होने वाला है, एक छिंदवाड़ा में होने वाला है, एक इंदौर में होने वाला है, भोपाल में होने वाला है। मतलब हम अगर वर्क मेरे पास रहता है तो कंटिन्यू रहता है, वर्क अगर नहीं रहता है ना तो मंथ में मतलब ऐसा लगता है बोरिंग टाइप का लगने लगता है, वो लाइफ स्टाइल ही अंदर से वो आने लगा ना कि अंदर की भी आपको काम करना है, मतलब करना है, शूट में जाना है, मॉडलिंग में जाना है, अब वो माइंड है ना उस टाइम पे उस जगह के लिए डाइवर्ट रहता है कि यार अब तो मतलब शो 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 कितने शो, अरे सर शो कब होने वाला है, सबके सर शो करवा दीजिए, सर शो करवा दीजिए। इनफैक्ट अब मैं कुछ नया सोच रहा हूँ कि अब एक बार करते हैं अब एक रनवे करवाने का, वो अब हमें ना बारिश में करवाएंगे। अच्छा अच्छा। किसी की थिंकिंग भी अभी नहीं हुई है कि मतलब कोई बारिश में शो हो सकता है, बारिश में सिर्फ शोज बंद हो जाते हैं या बिल्कुल बिल्कुल सब जगह बंद रहता है, सब बोलते हैं कि यार बारिश है क्या करवाएंगे, कुछ नहीं, सब कीचड़ कीचड़ गीला हो जाएगा ऐसा ऐसा, अब हम वही बारिश में ही करवाएंगे शो, कुछ नया देखने मिलेगा, इंटरेस्टिंग सा। ओके बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सारे सेलिब्रिटीज जैसे हमारे साथ अभी वर्क कर चुके हैं, प्रिंस नरुला जी के साथ मैंने वर्क कर रहा हूँ, सोनल चौहान हो गए, ट्विंकल कपूर हो गया, सैयद शरीश अली हो चुकी है हमारी, और भी हमारे कुछ सेलिब्रिटीज हैं अभी, जैसे स्वीटी वालिया भी हमारे कुछ शोज में आने वाली हैं, पूजा पगारिया है, मतलब ऐसे ऐसे एक्टर्स एक्ट्रेसेस हमारे साथ मतलब बहुत सारे हो चुके हैं, और आने वाले टाइम में अगर अच्छा रहा तो अच्छा खासे लेवल तक हमारा शोज हम पहुंचाने का सोच रहा हूं। मैं भी सोच रहा हूं कि यू नो मैं भी चलता हूं साथ में। अरे श्योर श्योर, है ना, मोस्ट वेलकम है आपके लिए मेरे साथ। तो फिर कब चले, कहाँ का शो चलते हैं? 23rd of July को एक हम शो करने वाले हैं छिंदवाड़ा में, माँ कौशल मध्य प्रदेश 2023, मिस्टर मिस मिसेस एंड किड्स माँ कौशल मध्य प्रदेश 2023 का ये सीजन 1 होने वाला हमारा छिंदवाड़ा में। ओके ओके, तो ये वहीं चलते हैं हल्का मशो आने के लिए। श्योर। अजा आप वहाँ पे क्या परफॉर्मेंस करने वाले हैं? मैं तो एज अ प्रोफेशनल मॉडल और एज अ प्रोफेशनल एक्टर वहाँ पे जाने वाला हूँ। अच्छा, एक्टर एक्टिंग भाई, जब एक्टिंग भी करते हैं, मॉडलिंग भी करते हैं, अभी दो राइडर भी हैं, शूटर भी हैं, मार्शल आर्ट भी हैं, भाई क्या क्या हैं अपन? फेंसिंग भी कर चुका हूँ, रेसलर भी रह चुका हूँ, फ्लूटिस्ट हूँ, गिटारिस्ट हूँ, शूटर हूँ, गिटार तो भाई सुन लिए, मतलब डांसर भी हूँ। डांसर में कौन सा, मतलब क्लासिकल डांस, क्लासिकल डांस, कथक डांस। ओके ओके, ये रह चुका हूँ, और एक्टिंग वगैरह भी है, और अभी तो अब न्यू ट्रेंड चल रहा है तो वीडियोज वगैरह का भी मतलब है, 2-2.5 साल से एक जोश एप्लीकेशन उनके साथ भी वर्क कर रहा हूँ। मुझे सुना था, मैंने सुना था कि कोई मूवी में भी आपने? हाँ, अभी 2 मूवीज में अभी मैंने वर्क कर रहा हूँ, एक बेहिसाब और लव की अरेंज मैरिज, ये 2 मूवीज हैं। ओके ओके ओके। और अभी ऑफर्स तो बहुत सारे, बट अभी शोज के चक्कर में मैं अभी नहीं कर पा रहा। तो कौन सी मूवी आपको ऑफर्स आया था? अभी तो कुछ वेब सीरीज के भी है, हाउस नंबर 23 एक हॉरर मूवी होने वाली है, वेब सीरीज उसका भी आया था, और 2-3 हैं। अब नेम्स मतलब मैं मुझे स्क्रॉल डाउन करने पड़ेंगे, वही चीज़ है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है ना भाई, अभी शोज के चक्कर में सब पूरा टाइम शेड्यूल। तो भाई कुछ ऐसा था भाई इंट्रो, एंड ये क्या इंस्टाग्राम के ना योर आयुष, एंड ज़्यादा होता आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं, एंड भाई मैं तो देखा वहाँ पर, भाई मज़ा आ गया मेरे को, देखिए शूट देख के भाई बहुत बढ़िया था, एंड हम भी चलेंगे 23 जुलाई, हाँ तो चलते हैं वहाँ भी हम जाएंगे, एंड भाई मज़ा आएगा, तहलका मचाएंगे वहाँ पर, आप लोगों को बहुत अच्छा ब्लॉग देखने मिलेगा, और साथ में मैं अपने देखता हूँ किसी न किसी को साथ में लेके जाऊँगा, दीदी लोग हैं, दीदी लोग को भी साथ में लेके जाऊँगा, मज़ा आएगा। तो पर ऐसा है कि कुछ नेचर कैफे में आए थे, सॉन्ग सुने भाई, सॉन्ग सुन के काफ़ी मज़ा आ गया। थैंक यू, हाँ तो भाई अभी ऐसा है कि कुछ खाते पीते हैं, देन इसके बाद भाई चलते हैं नीचे, पर भाई भी तो जाना है, टाइम भी तो होगा। श्योर श्योर, है तो चलते हैं भाई नीचे कुछ खाने पीने, खाने पीने के बाद निकल देंगे, मोटो ब्लॉगिंग में ड्रोन ड्रोन करते हुए चलते हैं फिर।